हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन। हाँ बांसु, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर टू। ओके, और चैप्टर नंबर टू में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फूड से अगर एनर्जी इंटेक करनी है तो डाइजेशन इज एसेंशियल। जस्ट डाइजेशन से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन डाइजेशन के बाद कई प्रोसेस होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले तो हम वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले होता क्या है। देखिए, सबसे पहले होता है इंजेशन, कुछ प्रोसेस है हमारी बॉडी में इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन। ठीक है बेटा, ओवरऑल ये फाइव प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एंड देन वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डाइजेशन। इंजेशन क्या होता है? फर्स्ट द इनटेक ऑफ फूड, द इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, यानी फूड को अंदर लेना। हम हमारा इनटेक कहाँ से करते हैं? थ्रू द माउथ। भाई हम इंजेशन कहाँ से करते हैं? माउथ से। ओके, तो माउथ से जो फूड को हम अंदर ले जाते हैं, आप जब भोजन खाते हो, फूड खाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बाइट तोड़ के जो माउथ में लेके गए, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट वन इज देयर एंड इट इज ही इज टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, दैट इज नोन एज इंजेशन। ओके, सेकेंड जो प्रोसेस है दैट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन हमने अभी बात की कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स हैं वो किसमें डिसोसिएट होंगे? सिंपलर वन में। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और आपका फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इज दैट क्लियर? ये हुआ डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा। फिर बात आती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये फूड कॉम्पोनेंट्स या जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हमें फूड में मिली है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इनको एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो सबसे ज्यादा होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे, इसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें फूड के डाइजेशन से मिले उन सबको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है असिमिलेशन। असिमिलेशन का है जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन और टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अंडरस्टैंड? यानी आपने एब्जॉर्ब कर लिया फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिले डाइजेशन से, जो भी स्मॉल न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, उनको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे मेन पार्ट हमारी बॉडी का जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? असिमिलेशन। जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऑब्टेंड होगी, वो एनर्जी को प्रोड्यूस या ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज असिमिलेशन। इज दैट क्लियर? और एट लास्ट क्या होता है? जब आपने फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, तो उसके बाद क्या बचेंगे? कुछ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो भी अनवांटेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड है हमारी बॉडी में, वो होता है वेस्ट मटेरियल, एंड दैट शुड बी रिलीज्ड आउटसाइड, दैट शुड बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। अंडरस्टैंड? आपको पता है ना, रेगुलरली मॉर्निंग में यू आर गोइंग फॉर गेटिंग फ्रेश